हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे बने रहिएगा। मैं पारस आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद पारस में। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि आप जो है मतलब कि लेट बैक लिफ्ट होने के क्या फ़ायदे हैं। लेट बैक लिफ्ट अगर आप रखते हो तो आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, और आपको कब लेट बैक लिफ्ट रखनी चाहिए, और आपको अगर आप किस टाइप के बैट्समैन हो कि आपको लेट बैक लिफ्ट रखनी चाहिए। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको लेट बैक लिफ्ट कब रखनी है। लेट बैक लिफ्ट रखनी है, मैंने अभी बैक लिफ्ट वाला वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया आपको जो है बैक लिफ्ट कैसे रखनी है। तो उसमें जो है मैंने बताया था कि आपको जो है बैक लिफ्ट जो है लेट आप तब रख सकते हो जब आप हिटर हो, यानी आप अगर हार्ड हिटर हो तो आप अपनी बैक लिफ्ट लेट शुरू कर सकते हो। कब कितनी लेट शुरू करनी है, कब शुरू करनी है, ये हम आगे बात करेंगे। और आप कब करनी है, जब आप अगर आप डिफेंसिव प्लेयर भी हो और आप एंड तक खेल गए हो, क्योंकि एंड तक खेल जाते हैं, जरूरी नहीं होता जैसे रोहित शर्मा एंड तक खेल जाते हैं, विराट कोहली एंड तक खेलते हैं, आप तब हिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो एंड पर अपनी ये बैक लिफ्ट हाई मतलब कि लेट और हाई बैक लिफ्ट। तो अब इसमें कब क्या करना है आपको, पहले जी जब आप हिटिंग कर रहे हो तो आपको जो अपने दोनों हाथ टाइट तक रख लेने हैं। क्यों रख लेने हैं, इसका कारण है ये कि जब आप सिक्स हिट करते हो तो आपका बैट जो मतलब कि मुड़े ना घूमे ना, मतलब कि आपका बैट जो है कभी अपने हाथ से फिसल जाता है, या फिर आपके हाथ से आप शॉट मारा जाते हैं कहीं कहीं चल जाता है, कहीं आपके एजिस लग जाते हैं, तो ये जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो है अपने हाथ टाइट रखिए। और अब आप अगर स्पिनर बॉलिंग कर रहे हो, वैसे लास्ट में करते नहीं स्पिनर बॉलिंग, बट अगर आप हार्ड हिटर हो, आपकी थोड़ी बैटिंग पहले आती है, या फिर आप डिफेंसिव और लास्ट में स्पिनर बॉलिंग कर रहे हो जैसे सुनील नारायण हमारे करते हैं, तो आप जो है तब अपनी बैक लिफ्ट शुरू कीजिए जब जो है बॉल जो है वो हाफ क्रीज तक हाफ क्रीज तक पहुंच गई हो। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है आंद्रे रसल, कितने लंबे सिक्सेस हिट करते हैं, अप टू 90-95 मीटर से ऊपर सिक्सेस हिट करते हैं, एवरेजली 100 मीटर सिक्स हिट कर देते हैं। लेट बैक लिफ्ट शुरू होती है, ये लेग क्लियर करते हैं और सिक्स हिट करते हैं। सबसे ज़्यादा उनको बॉल पसंद है ओवर पिच, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सी बॉल सिलेक्ट करनी चाहिए आपको सिक्स हिट करने के लिए। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका पहले बैट जो है तेज जाएगा ऊपर और उससे भी डबल तेजी से नीचे आएगा, क्योंकि आप थोड़े से लेट बैक लिफ्ट शुरू होगी, आपकी टाइमिंग सेट हो जाएगी, मिडल और बैट स्पीड का कॉम्बिनेशन अच्छे सिक्स हिट करता है। और एक अच्छी एग्जाम्पल है कायरन प्लॉट, तो इस ये फ़ायदा हो गया आपका लेट बैक लिफ्ट का। और जब मीडियम पेस से बॉलिंग कर रहा हूँ तब आपको हाफ क्रीज पर ही तब आपको बैक लिफ्ट उठानी, जब उसके हाथ से बॉल जब वो छूट चुका हो, और जब एक्सप्रेस बॉलर बॉलिंग करो तब आपको तब अपना बैक लिफ्ट उठानी जब उसका हाथ जो है वो घूमना शुरू हो गया, क्योंकि उनका हाथ तेज घूमता है, जैसे घूमना शुरू होगा आप जब तक बैक लिफ्ट उठाओगे बॉल आ जाएगा, तो आप जो है आपका फिर से वो बैट जो है वो तेज आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रहे हमेशा सीधे बैट से आपको हिट करना है, अगर आपको बॉल फ्रंट फुट का है वो बात अलग है, आपको शॉर्ट पिच आ गया बट आपको जो है सीधे बैट से हिट करने की कोशिश करनी है, तो आपको ये हिट करनी है। और हाँ, हाई बैक लिफ्ट रखें क्योंकि आपके शॉट में पावर आए, ज़्यादा आपके शॉट में ज़्यादा पावर आए। गाइस, मैं आपको बता दूँ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं क्रिकेट इस पारस से, उसमें भी मैं क्रिकेट के वीडियो डालता हूँ, आपको मोटिवेट करता रहता हूँ मैं आपको, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। ये चीज़ें करने से पहले आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको कामयाब बनाएगी। प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके, अपनी स्ट्रेंथ डिवेलप कीजिए, जब भी जाकर आप एक अच्छे हार्ड हिटर बनोगे, अच्छे सिक्स हिट करोगे, और आप डिफेंसिव भी हो तो भी अच्छे सिक्स हिट करोगे। गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।